आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में सावन के तीसरे सोमवार को भारत भूमि को अपनी पूरी धारा से अभिसिंचित करने वाली माँ गंगा के किनारे तिरंगा ही तिरंगा नजर आया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के दृष्टिगत दशा में घाट पर नमामि गंगे ने अपील किया कि होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के गगनभेदी उद्घोष के साथ आओ घर घर अलग जगाएं, माँ गंगा को स्वच्छ बनाएं, सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारों से पति तपावन का तंज गूंज उठा। राष्ट्र के अभिमान तिरंगे को हर घर फहराने की अपील की गई। बंद करो पॉलीथीन, काशी को बनाओ सुंदर और क्लीन व पॉलीथीन मुक्त गंगा घाट का आग्रह किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने गंगा स्वच्छता का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक किया। राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर सभी संकल्पबद्ध हुए। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक शुक्ला ने कहा कि सावन पर्यंत हम माँ गंगा का जल महादेव पर चढ़ाते हैं। गंगा जल अर्पणा से महादेव प्रसन्न होते हैं। हमारा ही भी यह दायित्व है कि महादेव की गंगा को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दें। भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए कांवरियों बंधुओं सहित स्थानीय नागरिकों ने गंगा जल संरक्षण की शपथ ली है। संवाददाता तौफीक खान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।